तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोबी हेडमास्टर से बोलता है मैं यहाँ पर लीन फेंग को मारकर उससे क्विंसाओ की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ, जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल परेशान हो जाते हैं। तभी हेडमास्टर बोलते हैं जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लीन फेंग को छू भी नहीं सकते हो। और अब हेडमास्टर और मोबी उस जगह पर फाइट करने लगते हैं। तभी मोबी रुकते हुए बोलता है तो तुम इस तरह नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हेडमास्टर बोलते हैं चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम लीन फेंग तक कभी नहीं पहुंच सकते। तभी मोबी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को एक ड्रैगन में चेंज कर देता है। अब उस ड्रैगन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी हेडमास्टर बाकी के सभी स्वॉर्ड मास्टर के साथ मिलकर हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर मौजूद बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं। पर वहां मौजूद सभी डिसाइपल्स उस ड्रैगन के ऑरा प्रेशर से दूर जाकर गिरते हैं। अब हेडमास्टर सभी स्वॉर्ड मास्टर को पीछे हटने के लिए बोलते हैं और अब वह आगे आते हुए मोबी से बोलते हैं तो तुम यहां पर बिना फाइट किए नहीं मानोगे, तो फिर ठीक है मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी मोबी बोलता है तुम्हें अपनी पावर्स पर बहुत ही ज्यादा घमंड है पर तुम मेरे अटैक्स का सामना नहीं कर सकते हो। और अब वह अपने ड्रैगन्स के कई सारे क्लोन्स बनाता हुआ उन्हें हेडमास्टर पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। उसी वक्त हेडमास्टर अपने हेवेनली अभ्यास मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं और अब उनका हेवेनली अभ्यास मार्शल सोल मोबी के सभी ड्रैगन्स को खा जाता है। यह देखकर मोबी हैरान हो जाता है पर ज्यादा पावर कंज्यूम करने की वजह से हेडमास्टर का मार्शल सोल भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मोबी अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए उन्हें हेडमास्टर पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जिसे देखते ही हेडमास्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन सभी क्लोन्स के साथ फाइट करने लगते हैं। अब यह देखते ही वहां मौजूद सभी स्वॉर्ड मास्टर भी एक एक करके उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी हेडमास्टर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए मोबी के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी वक्त मोबी अपने ड्रैगन को उन पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है और अब वह ड्रैगन काफी तेजी से अटैक करके हेडमास्टर द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर लिजन बोलता है आखिर यह पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हेडमास्टर के साथ मिलकर सभी स्वॉर्ड मास्टर भी उससे फाइट कर रहे हैं पर इसके बावजूद वह उस पर्सन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तभी जियान फेंग बोलता है यह पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि यह स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर है। और अब वहां पर बाकी के स्वॉर्ड मास्टर भी आ जाते हैं। दूसरी ओर ब्लैक ड्रैगन सिटी का वह पर्सन अपने किंग से पूछ रहा होता है मास्टर आखिर सभी स्वॉर्ड मास्टर मिलकर भी यहाँ पर मोबी को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं, जिस पर ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग उसे बताता है कि मोबी स्पिरिचुअल रैलम पर है और तो और वह लिंग्यून माउंटेन से बिलोंग करता है, जिस जगह पर गुसिन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल वॉरियर्स रहते हैं। तो इस बार मुझे नहीं लग रहा कि हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट यहाँ पर लीन फेंग को बचा पाएगा। तभी मोबी बोलता है हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के हेडमास्टर तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि अब तक मैंने बस अपनी 10% पावर का ही यूज किया है। और तभी मोबी के दो साथी उस जगह पर आ जाते हैं जिन्हें देखते हुए मोबी बोलता है यह दोनों मार्क्समैन ही तुम्हारे पूरे हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और तभी वह दोनों मार्क्समैन उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देखते ही दो स्वॉर्ड मास्टर आगे आते हुए उन मार्क्समैन से फाइट करने लगते हैं। पर वह दोनों ही मार्क्समैन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों स्वॉर्ड मास्टर को वहां पर काफी आसानी से हरा देते हैं, जिसके बाद वह दोबारा से जाकर अपने शिप पर खड़े हो जाते हैं। अब यह देखते ही मास्टर बाईचैन गुस्से में अपने सभी साथियों को वन स्वॉर्ड QI फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं। अब यह सुनते ही सभी स्वॉर्ड मास्टर एक साथ मिलकर वन स्वॉर्ड QI फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब उस फॉर्मेशन के अंदर से एक जाइंट स्वॉर्ड काफी तेजी में मोबी की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी मोबी अपने ड्रैगन को उस स्वॉर्ड की ओर आगे भेजता है और अब मोबी का ड्रैगन काफी तेजी से जाते हुए उस जाइंट स्वॉर्ड पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे वहां पर सभी स्वॉर्ड मास्टर घायल हो जाते हैं। वहीं पर हेडमास्टर की भी हालत खराब होती है और अब हेडमास्टर बोलते हैं हमने यहां पर अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया है पर हम मोबी को एक भी बार हिट नहीं कर पाए तो अब हमारे पास यहां पर बस एक ही रास्ता बचा है, हमें हमारे एंसेस्ट्रल डोर टेक्निक का यूज करना होगा।
और यह बोलते हुए वह अपने पास से एक जेड को बाहर निकालते हैं। तभी वहां पर काफी तेजी में एक ओल्ड मैन आता हुआ उस जाइंट ड्रैगन पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर मोबी के साथ मौजूद सभी मार्क्समैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी सभी स्वॉर्ड मास्टर देखते हैं कि उस जगह पर हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के 3 एल्डर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वह सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।